हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को सरल कीजिए या संख्याओं को कैसे काटा जाता है, इस चीज़ को सीखेंगे। तो ऐसे प्रश्न हमें सीखना है, तो जैसे देखिए मैं उस टाइप के भी प्रश्न रखा हूँ जो दशमलव में संख्याएं दे दी जाती हैं, उनको किस तरह से काटा जाए, किस तरह से सरल किया जाए। सरल कीजिए का मतलब इसका आपको सरलतम रूप निकालना है। अब मैं समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम संख्याओं को काटते हैं तो हमें अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिवेट रखना पड़ेगा, यानी थोड़ा चालाकी से काटना पड़ेगा कि हम किस संख्या को किस संख्या से काटें तो वो सरलता से कट जाए। जैसे 25/30 है, ये एक छोटी संख्या है, इसको लगभग हर कोई काट सकता है। लेकिन समझिएगा, ये देखिए 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, हम इसे डायरेक्ट 5 से काटेंगे, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 5 × 25 = 25 हो जाएगा। अब ये 5/6 है, इसका उत्तर कितना जाएगा, 5/6, ये भी इसका उत्तर होगा। अब अगर आप 5 में 6 से भाग दो दोगे तो इसका उत्तर दशमलव में भी आ सकता है, लेकिन यहीं तक आप करके छोड़िएगा, ये इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर 12/4 है, 12 को आप 2 से भी काट सकते हो, 4 को भी 2 से काट सकते हो, इसका मतलब हम इसे 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन हमें किससे काटना है कि ये आसानी से कट जाए एक बार में, 4 से, 4 × 1 = 4 और 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, 3/1 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए तो हमेशा आप अगर छोटी संख्या है तो थोड़ा टेबल यानी पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा किससे हम काटें कि वो एक ही बार में कट जाए। अब यहाँ पर 246/24 है, तो 24 × 24 = 48 हमें टेबल तो याद नहीं है 24 का, तो इसे हम क्या करेंगे, फटाफट से ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए। जैसे देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हमने 24 से काट दिया, सॉरी 2 से काट दिया 24 को, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इसे भी 2 से काट दिया। अब ये 123 है, ये क्या है, 12 है, तो 12 तो 2 से कट जाएगा लेकिन 123 जो है वह 2 से नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है, अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 × 2 = 5 = 6, यानी 3 से विभाज्यता का नियम जो नहीं पढ़े हैं तो वो मेरा वीडियो पुराना वाला देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, यानी 41/ कितना हो चुका है, 4। अब ये तो ना तो 2 से कटेगा, ये तो 2 से कट जाएगा, न ही या 3 से कटेगा। तो आपको करना क्या है, 41/4 आया है तो 41/4 इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। अगर इसे आप दशमलव में करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा। अब हम 1 उतार लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए भाग तो जाएगा नहीं, तो लोग दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लेते हैं जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर भाग नहीं जाता, 1 बार 0 बार ले जाइएगा, 4 × 0 = 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप आगे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव बढ़ाकर 0 उतारिएगा, 4 × 2 = 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब दशमलव पहले से है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 4 × 5 = 20, यानी 10.25। अगर हम 41 में 4 से भाग देंगे तो 10.25 ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप इसी तरह से क्या करिएगा, करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 7/3, फिर 27/7, 5/3, ये ऐसी संख्याएं हैं तो ये शायद किसी से भी ना कटेंगी, भाग देने पर किसी से भी नहीं कटेगी। जैसे 7 और 3 को कोई भी संख्या नहीं काट सकती, 27 और 7 को कोई संख्या नहीं काट सकती, 5/3 को कोई भी संख्या नहीं काट सकती। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप दशमलव में आएगा। इसका मतलब 7 में आपको क्या करना है, 7 में आपको 3 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है तब आप यहाँ पे दशमलव बढ़ाकर 0 उतारिएगा। अब हम कितनी बार लेके जाएंगे, 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर फिर से दशमलव था तो 0 उतार सकते हो, 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 9, 10 में से 9 घटाओगे 1। तो यहाँ पर इसका उत्तर जानते हो कितना आएगा, 0.33 इस तरह से आता रहेगा, तो इसका उत्तर 2.33, यही आप लिखकर छोड़ दीजिएगा, 2.33। इस तरह से हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं, काटते हैं ऐसी संख्याएं जो किसी से भी ना कटें। अब यहाँ पर 27/7 है, तो 27 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 किससे भाग देंगे, 7 से, तो यहाँ पर 7 × 4 = कितना हो जाएगा, 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 3 कितना हो जाएगा, ये 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 27 में से 21 घटाओगे, 7 में से 1 गया कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे कोई भी संख्या नहीं है तो आप दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लीजिएगा,
तो 7 5 35 7 8 कितना होता है 56 होता है। 60 में से 56 घटाओगे 4 आएगा, दशमलव पहले से सुनना उतार सकते हो। 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 बार जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 35, अगर 6 बार लेके जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, 40 में से 35 घटाओगे 5 आएगा। अब यहाँ पर दशमलव के आप दो ही अंक के बाद ले जाकर छोड़ भी सकते हो, ये आपका कितना हो जाएगा 3.85 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल आए आप इसी तरह से क्या सॉल्व करिएगा। 5/3 है यानी 5 में आपको क्या करना है 3 से भाग देना है, तो इसे मैं HW दे देता हूं। अभी कुछ प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, इसको मैं एक्स्ट्रा दे दिया। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है 2 3/5। ये देखिए मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले आपको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 2 10, 10 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13/5 कितना हो जाएगा 5। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सभी लोगों को आता ही होगा, मैंने काफी बार बताया। अब ये 13/5 आ चुका है। अब ये देखिए एक तो ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर इसका और सरलतम रूप निकालें तो 13 में आप क्या करिएगा 5 से भाग देंगे, 5 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 13 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर आगे कोई भी संख्या नहीं है और भाग भी नहीं जा रहा है, तो दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारिएगा। 5 6 कितना होता है 30 होता है। अब इसका उत्तर कितना आ चुका है 2.6, यानी अगर हम 2 3/5 को दशमलव में बदलें, इसका सरलतम रूप एकदम निकालें, तो 2.6 इसका उत्तर होगा। दोनों आंसर क्या है सही है। अब उसी तरह से 4 12 क्या है 3 है, इसका सरलतम रूप क्या होगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बटे कितना है 3 है। अब 24 देखिए 3 से कटेगा, 3 8 कितना होता है 24 होता है, 3 1 3 3 8 24 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए आप इसी तरह से हल करिएगा। यहाँ पर देखिए दशमलव में दिया हुआ है, दशमलव का सरलतम रूप अगर निकालना हो तो बहुत लोग नहीं निकाल पाते, दशमलव से डर लगता है। यहाँ पर देखिए डरिएगा मत, 2.5 है तो इसे 2.5 लिखिएगा, बटे में 5 है 5 लिखिए, एक अंक के बाद दशमलव है तो इसमें आप 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 ही से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2.5 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आओगे तो 25.0 है, तो 25.0 है, दशमलव के बाद सुन्ना लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या लिखते हैं 25 लिखते हैं, बटे में 5 का उड़ा 10 करोगे 10 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 25/ कितना है 50 है, 25 1 25 25 2 50 हो जाएगा, यानी 1/ आपका कितना आया है 1/ आपका 2 आया, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अगर इस तरह के सवाल आएंगे आप इसी तरह से क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। अगला सवाल है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, चलिए इसको भी बताते हैं। 6.48 है, ये दशमलव वाला ना थोड़ा ट्रिफिकल होता है, अभी मैं उस प्रश्न को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 6.48 है तो 6.48 लिखिएगा, बटे में 3.24 है। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी हमें 100 से ही गुणा करना पड़ेगा। अभी वो सवाल मैं बताता हूँ, चिंता ना करिए। अब अगर हम 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 648 हो जाएगा, और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को बड़ा वाला टेबल तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना है ऐसी संख्या से काटनी है जिसका टेबल हमें अच्छे से आता हो। अगर आपको ऐसा संख्या का टेबल नहीं आता है तो उससे काटने मत जाइएगा, वरना आपका समय खराब होगा। जैसे ये 2 से कट जाएगा तो 2 से हम काट देते हैं, और ये 8 से भी, ये आपका 4 से भी कट सकता था, 4 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 4 हो जाएगा, और 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा। अब ये कितना है 162, ये कितना है 81 है, तो ये देखिए किससे कटेगा 8 1 9 6 2 6 1 7 8 9, ये देखिए 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो हम 3 से काट देते हैं, 3 2 कितना हो जाएगा 6, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, क्योंकि 9 से ये कट जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 3 है ये 6 है, 3 से काट देंगे 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, ऊपर 2 आ चुका है और नीचे कट के 1, इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आ जाए कटा पीटी वाले, तो आपको जो संख्या का टेबल आता हो उसी से काटिएगा,
अविभाज्यता का नियम तो याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं पता पा जा रहा था कि किस संख्या से काटना है आसानी से कट जाए, तो वो विभाज्यता का नियम है, यानी दो से किसी भी संख्या को काटने का नियम क्या है, तीन से किसी संख्या को, चार से, पाँच से, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। एक दिन मैं विभाज्यता का नियम बताऊंगा तो सारे बच्चे उस चीज को देखिएगा, बहुत काम का चीज है, उससे कैलकुलेशन थोड़ा तेज होता है। अगला सवाल हमारा है 2.246 बटे कितना है 4.2। ये सवाल उन सवालों से क्या है, अलग है। क्यों अलग है, अभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ सिखाता हूँ। जैसे इसमें दशमलव दूर करना है तो 2.246 गुणे हम क्या करेंगे, तीन अंक के बाद दशमलव है तो एक लिखकर तीन शून्य लगाएंगे, बटे में 4.2 है तो इसमें हम 10 से गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर सीखने वाली यही बात है कि जितने जिन संख्याओं में ज़्यादा बार दशमलव लगा हो, यानी ज़्यादा दूरी पे, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 तीन अंक के बाद लगा है तो हमने 1000 से गुणा किया, और यहाँ पर एक अंक के बाद लगा है तो हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा दूरी पे दशमलव लगा रहता है, तो नीचे भी हम इसमें भी एक ही 1000 से गुणा करेंगे। आ रही बातें समझ में। अगला वाला जो भी मैं सवाल बताया था उसमें या तो इस तरह से था 2.25 बटे कितना था, मान लीजिए 4.26, दो अंक के बाद ऊपर वाले में भी था, दो अंक के बाद नीचे वाले में भी था, इसीलिए ऊपर 100 से गुणा किया गया था, नीचे भी क्या 100 ही से उन प्रश्नों में गुणा किया गया होगा, या तो 10 से गुणा किया गया था तो 10 से नीचे वाले में भी गुणा किया गया होगा। लेकिन इसमें देखिए तीन अंक के बाद है तो ऊपर 1000 और नीचे भी 1000 से गुणा करेंगे। अगर नीचे वाले में क्या होता, चार अंक के बाद दशमलव लिखा होता तो यहाँ पर हम एक लिखकर चार से गुणा करते, यानी चार शून्य से, और ऊपर भी उसी से करते। आई मेरी बातों का आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर वाले का तो दशमलव दूर हो जाएगा, 2.246 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4.2 है तो 42 हो जाएगा, इसका एक जीरो खत्म हो जाएगा, दो जीरो लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 4.2 में 1000 से क्या करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा 42, फिर इसके बाद तीन जीरो है, तीन जीरो लिखिएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लाएंगे तो 4200 क्या होगा, इसका उत्तर होगा, 4200 लिखा हुआ है। अब इसे हम काट लेते हैं छोटी छोटी संख्या से, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यहाँ पर दुर्बल जीरो, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 × 2 = 5, 6 × 1 = 7, ये आपका 3 से भी नहीं कटेगा, और ये आपका क्या 2 × 1 = 3, 3 से तो ये कट जाएगा, तो हम जब कटे कट ही नहीं रहा है तो 1, 1, 2, 3 बटे कितना हो जाएगा 21, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आए तो इस तरह से कर लीजिएगा, अगर ये किसी संख्या से कटे तो उसे आप और काट पीट के सरल कर लीजिएगा। तो इतने सवाल आपको समझाने के लिए काफ़ी आवश्यक थे। सरल कीजिए से संबंधित ढेरों सारे प्रश्न हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।